यूथ ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में फतह का परचम लहराया। यूथ ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में फतह का परचम लहराया। ये वाउटा पेश यू ते दो चश्मे था यूथ यूथ ये वाव ते दो चश्मे यूथ वे रे छुटिए ब्रे गाफजेर ये गे और डा गेड ब्रिगेड बे रे ये गाफ ये डाल ब्रिगेड नून जेर बढ़िए ने नून बढ़िए ने जे जेर जी मा जिम बे अलिफ बा बा बाब वाजेर बढ़िए वे जिम्बाब्वे जे मीम बे अलिफ बे वाव बढ़िए जिम्बाब्वे मीम जेर बढ़िए मे और नून गुना मे मीम ये नून गुना मे फे जबर फ ते जबर त हा फतह फे ते हे फतह काफ अलिफ का पे जबर रे पर चे जबर मीम चम परचम पे रे चे मीम परचम ले लाम जबर हे लह रे अलिफ रा ये अलिफ या लहराया लाम हे रे अलिफ ये अलिफ लहराया। यूथ ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में फतह का परचम लहराया। फतह का परचम विजय पताका फ्लैग ऑफ द विक्ट्री। यूथ ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में फतह का परचम लहराया। यूथ ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में फतह का परचम लहराया। अब देखिए, इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि दो हरूफ या दो से ज़्यादा हरूफ जब एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। कुछ हरूफ होते हैं कि उनकी शक्ल इतनी बदल जाती है कि पहचान में आसानी से नहीं आते हैं, और कुछ अक्षरों की कुछ हरूफ की एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो उर्दू का पहला हर्फ है अलिफ, तो आइए देखते हैं कि अलिफ की कितनी शक्लें होती हैं। एक तो ये हुई इंडिपेंडेंट शक्ल, ये हुआ अलिफ अलिफ। और अलिफ से पहले जब कोई हर्फ आता है और अगर उससे वो जुड़ता है तो उसकी शक्ल क्या होती है? देखिए, एक तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये, और ये अलिफ है, ये अलिफ इसके साथ ये के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा देखते, ये काम है, ये काफ है और ये अलिफ है, ये जो लकीर कही हुई ये का है का। और फिर देखिए यहाँ जिम्बाब्वे, ये बे के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है जिम्बाब्वे। एक चीज़ ध्यान रखें कि अलिफ अपने से पहले किसी हर्फ के साथ, किसी अक्षर के साथ तो जुड़ सकता है, लेकिन अलिफ के बाद आने वाला कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये जिम्बाब्वे में अलिफ आ गया, अब अलिफ के बाद जो बाकी लिखा जाएगा वो अलग लिखा गया है। उसी तरह यहाँ का में अलिफ आ गया, अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ेगा नहीं, इसलिए वो अलग लिखा जाएगा। यहाँ देखिए अलिफ आ गए,
अलिफ के बाद कोई भी हर्फ उससे जुड़ेगा नहीं। और यहाँ भी देखिए या आखिरी में, ये तो खैर आखिरी अक्षर ही है इसलिए जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह अलिफ की सिर्फ दो ही शक्लें हो सकती हैं, एक या तो इंडिपेंडेंट हो सकती है और ये अगर जुड़ेगा जो कि अपने से पहले वाले अक्षर से ही जुड़ सकता है, बाद वाले इसके बाद आने वाला कोई अक्षर इससे जुड़ता नहीं है, इसलिए ये है शक्ल, एक शक्ल ये है, यानी ये यहाँ से ये इससे पहले वाले अक्षर से जुड़ गया है, जुड़ेगा जा करके। ठीक, और ये देखें कुछ और शब्द, उर्दू अलिफ के बाद पहला अक्षर अलिफ है, अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है इसलिए ये अलिफ अलग लिखा गया है। दवा, दवा ये अलिफ है। इलाज, ये देखिए ऐन लाम अलिफ जीम, इलाज इलाज ये अलिफ है, अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं इसलिए अलग लिखा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि जिस तरह ये अलिफ बना हुआ है उसी तरह ये लाम भी बना हुआ है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए ये अलिफ एन के बाद जो है ये लाम है, ये अलिफ नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये अलिफ होता तो इसके बाद फिर कोई अक्षर इससे जुड़ता नहीं, फिर वो अलग ही लिखा जाता। तो इसलिए ये ऐन के बाद जो है ये अलिफ की तरह ही जो लिखी है ये अलिफ नहीं है, ये लाम है, क्योंकि अगर ये अलिफ होता तो इसके बाद कोई अक्षर इससे जुड़ा हुआ नहीं होता। लाम के बाद, लाम का जब नंबर आएगा तब उसके बारे में भी हम बात करेंगे।